खबर रीवा जिले से है, जहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने निर्देश दिए हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तरीय स्ट्रांग रूम तथा रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर बनाए गए अस्थायी स्ट्रांग रूम में रखी जाने वाली ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं, ईवीएम मशीनों की सुरक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में केवल एक प्रवेश पॉइंट तथा डबल लॉक प्रणाली होनी चाहिए। ताले की एक चाबी रिटर्निंग अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी कोषालय अधिकारी उप कोषालय अधिकारी की अभिरक्षा में रखी जाएगी। स्ट्रांग रूमों में अन्य प्रवेश पॉइंट इस तरह से सील बंद किए जाए कि स्ट्रांग रूमों के भीतर कोई प्रवेश ना कर पाए। स्ट्रांग रूमों के पास तथा उसके भीतर अग्निशामकों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। स्ट्रांग रूम के बाहर एक लॉक बुक मेंटेन की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्ट्रांग रूम में से 4 से 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।